हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चुनौर में कुल 21 डीपी में से एक जाटा बस्ती, दो भोगीराम की चक्की के पास, तीन कुशवाहा और बाथा मोहल्ला, तीन सेंट्रल बैंक के पास, चार थाने के पास की पांच डीपी एक साथ फूकने से विद्युत व्यवस्था डगमगा गई है। आधी आबादी की बिजली सप्लाई रही बंद, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा सेंट्रल बैंक के पास की डीपी को सुधार कर चालू कर दिया गया है। लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों पर हैं, ऐसे में बिजली नहीं मिली तो ग्रामीणों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। चुनौर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। का ध्यान न रखते हुए उनको पानी भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पे जो फेस मांगने का तरीका है, यहाँ कभी भी कोई भी अप्रिय दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई पशु जानवर मर सकता है या बच्चा मर सकता है। सर, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार दुर्वे है। मैं चिनौर वितरण केंद्र पर सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। चिनौर ग्रामीणों ने बताया है कि पांच डीपियां वर्तमान में फूकी पड़ी हैं, तो टोटल आपके ग्राम चिनौर में कितनी डीपियां हैं और क्या कितनी फूकी पड़ी हैं? चिनौर सिटी में लगभग मेरे ख्याल से 20-21 डीटी आ रहे हैं, जिनमें से मेरे संज्ञान में तो अभी 2-3 डीटीआर फैल होने की जानकारी आई है लाइनमैन द्वारा, जिसको मैं बदलवाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ और आज शाम तक बदलवा दिया जाएगा। आज मेरी गाड़ी स्टोर ग्वालियर गई है ट्रांसफॉर्मर लेने के लिए, जैसे आता है मैं तुरंत बदलवा कर सप्लाई चालू करूँगा।